नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस की खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ रश्क गौरी। चलिए हम शुरुआत करेंगे हमारे खास कार्यक्रम की और देखते हैं कि क्या कुछ रहने वाला है। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि शॉपिंग करना हो या पैसा ट्रांसफर करना हो, इन तमाम कामों के लिए ऑनलाइन तरीकों को अपनाना जितना सरल है उसके साइड इफेक्ट्स भी उतने ही ज्यादा हैं। दरअसल ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ऑनलाइन ठगी के पिछले कुछ दिनों में मामलों में लगातार तेजी से इजाफा हुआ है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में तो सबसे ज्यादा लोग ऑनलाइन ठगी के शिकार हुए हैं। हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि ऑनलाइन ठग सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोगों को ही अपना शिकार बना रहे हैं। ये मामला काफी गंभीर है, लिहाजा आज हम चर्चा इसी पर करेंगे हमारी खास पेशकश ऑनलाइन ठगी से जरा बचके में। ऑनलाइन ठगी से बचके अहम मुद्दे पर चर्चा करें, चलिए उसके पहले ये रिपोर्ट देख लेते हैं। आधुनिक जमाना है इसलिए अधिकतर लोग ऑनलाइन बैंकिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन यही ऑनलाइन बैंकिंग अपराधों को भी बढ़ावा दे रही है। रायपुर में पिछले एक महीने के आंकड़ों की बात की जाए तो 20 से ज्यादा ऑनलाइन ठगी की शिकार हुए। इसमें सबसे ज्यादा एटीएम ठगी के मामले सामने आए हैं। ठग इतने चालाक होते हैं कि हर बार ठगी के नए पैतरे आजमाते हैं। अब की बार ठगों ने जो ठगी का पैतरा अपनाया है वो बेहद हैरान कर देने वाला है। अब कस्टमर केयर के नाम से ठगों ने फर्जी हेल्पलाइन नंबर बनाया है जिसके जरिए ये ठगी को अंजाम दे रहे हैं। इस तरह की ठगी का ताजा मामला रायपुर में देखने को मिला, जहां चंगोरा भाटा की रहने वाली डोमेश्वरी देवांगन ठगी का शिकार। डोमेश्वरी जब ऑनलाइन शॉपिंग कर रही थी तो इसी दौरान फोन पे ऐप के जरिए उन्होंने पैसा ट्रांसफर किया, लेकिन पैसा ट्रांसफर न होकर पेंडिंग शो करने लगा, जिसके बाद उन्होंने कस्टमर केयर को फोन लगाया और फोन लगाने के बाद प्रार्थी को मैसेज में लिंक को क्लिक करने के लिए कहा गया और मैसेज को क्लिक करते ही उसके खाते से 1,25,000 पार हो गए। थाना डीडी नगर चंगोरा भाटा में प्रार्थी डोमेश्वरी देवांगन ऑनलाइन शॉपिंग है उनका, जिसमें ग्राहक द्वारा जब पे फोन पे द्वारा पेमेंट करते समय होल्डिंग बताया। होल्डिंग पे कस्टमर केयर पे फोन लगाने के बाद उसको नया ऐप अपलोड करने के नाम से सामने वाला उस कुछ पासवर्ड आया। उस पासवर्ड को पीड़िता द्वारा बताने पर उसके अकाउंट से 3 बार में 1,18,000 की ठगी की गई है। और यह ऑनलाइन ठगी है जिसपे थाना डीजी नगर में 420 IPC के तहत अपराध पंजीकृत की गई है। और अज्ञात मोबाइल जिसमें अज्ञात मोबाइल धारक को विवेचना में लिया गया है, इसको पूछताछ करके बहुत जल्दी इसको अरेस्टिंग की जाएगी। जिस तरीके से लोग रोजाना ऑनलाइन ठगी का शिकार हो रहे हैं उससे पुलिस भी काफी परेशान है। पुलिस इस तरह के मामलों को रोकने के लिए लगातार जागरूकता अभियान भी चला रही है, लेकिन उसका असर होता नहीं दिख रहा। अब ऐप के जरिए ठगी के मामले सामने आने के बाद पुलिस फिर लोगों को सचेत करने की अपील कर ठगी से बचने के उपाय भी बता रही है। क्योंकि आधुनिक जमाना में अभी की स्थिति में अधिकतर लोग एटीएम और पेटीएम और ऑनलाइन बैंकिंग का यूज बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, जिसमें सावधानी बरतने की बहुत ज़्यादा जरूरत है। और आए दिन हम अभी जितना शॉपिंग करते हैं ऑनलाइन के थ्रू ही करते हैं, जिसमें बहुत सारा चीज़ को ध्यान रखना जरूरी है। जिसमें एक होता है विशेष कि कभी भी अगर ऑनलाइन हम ट्रांजेक्शन करते हैं तो एक OTP आता है, उस OTP को हमको किसी को शेयर ना करें। और अगर अपने मोबाइल में किसी प्रकार का मैसेज आता है तो वो लिंक होता है जिसको हम एक्सेप्ट ना करें।
करें या करें तो हम उसको पढ़ के समझ के करें, क्योंकि जनरली पुलिस में दो शिकायत जो आ रही है वो अधिकतर दो ही प्रकार के ठगी का शिकार है, जिसमें प्रार्थी द्वारा ओटीपी को शेयर करने या बताने पे या उनके द्वारा किसी प्रकार का लिंक भेजने पे लिंक को हम एक्सेप्ट करते हैं, तो ये दोनों कारण ही हो रहा है। हमको ये दोनों चीज़ों को विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, और अज्ञात व्यक्ति द्वारा जब कभी भी फोन आता है तो हम उसके अपने जो प्राइवेट जानकारी है, चाहे वो ओटीपी नंबर है या बैंक खाता नंबर है या किसी प्रकार का जानकारी, हम शेयर ना करें। अगर हम ये सावधानी बरतें तो ये ठगी से हम बच सकते हैं। ऑनलाइन ठगी के ढेरों मामले रायपुर में दर्ज हुए हैं, लेकिन पुलिस इन दो मामलों को छोड़ किसी का भी लिंक नहीं निकाल पाई है। जरूरी है कि लोग खुद सचेत रहे, नहीं तो कोई भी कभी भी ऑनलाइन ठगी का शिकार हो सकता है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से हेमंत शर्मा। तो ऑनलाइन ठगों से आखिर कैसे बचें, क्या तरीके अपनाएं, इस पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ रायपुर स्टूडियो में बेहद ही खास पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गया है। चलिए तारुफ आपका करवा देते हैं। एडिशनल एसपी प्रफुल्ल ठाकुर जी हैं। प्रफुल्ल जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। साइबर एक्सपर्ट मोहित साहू, मोहित जी आपका भी बहुत स्वागत है। और सोशल वर्कर कुणाल शुक्ला जी हैं। कुणाल जी आपका भी बहुत स्वागत है आपका। आपके पास सबसे पहले प्रफुल्ल जी आप ही का रुख करूंगी, क्योंकि कई बहुत लंबी चौड़ी फहरिस्त है शिकायतों की आप लोगों के पास कि साइबर क्राइम कैसे हुई है, ऑनलाइन ठगी के चलते लाखों करोड़ों रुपए आर पार हो गए। किस तरह से इन तमाम शिकायतों को आप लोग डील करते हैं, और अमूमन कितने ऐसे केसेस आपके पास डेली आ रहे हैं? निश्चित ही अभी जब से ऑनलाइन मार्केटिंग स्टार्ट हुआ है और जब से एटीएम यूज कर रहे हैं, पेटीएम यूज कर रहे हैं, तब से ये बातें सामने आ रही हैं। और इसके लिए हम लोग भी लगातार जन जागरूकता अभियान चलाते हैं, जैसे अभी हम लोग की पुलिस जनमित्र योजना जो चल रही है, उसमें भी हम लोग पूरे मोहल्लों में जाके जो भी पेटीएम यूज करते हैं, जो एटीएम यूज करते हैं, उनको सभी को हम लोग आगाह करते हैं कि कोई भी जो बैंक है या कोई भी राष्ट्रीयकृत बैंक है, कोई भी आपका जो जो कोड नंबर है कभी नहीं मांगती, और आप इसे देने के लिए बचें। लेकिन उसके बाद भी मैं देखा हूँ इसमें अधिकतर जो कामकाजी महिलाएं हैं या हाउसवाइफ हैं जो घरों में रहती हैं, यही लोग इसका काफी शिकार हुए हैं। इन लोग काफी शिकार हैं और इनको हम लोग लगातार जागरूक करने की भी कोशिश करते हैं कि आप लोग इससे बचें, लेकिन कुछ ना कुछ कोई लालच में आके, कोई इनाम के लालच में आके अपना गुप्त कोड दे देते हैं, और जब ठगे जाते हैं तब पुलिस के पास आते हैं। जी बिल्कुल। इसमें एक बात देखने का है कि जो भी जी बात सुनिए, इसमें जो भी उसमें मोबाइल नंबर आते हैं उसका अपन लोग वेरीफाई नहीं कर पाते। इसमें जितने भी मोबाइल एजेंसी हैं, मोबाइल एसएनजी को ये चाहिए कि जो भी उन लोग मोबाइल नंबर अलाट करते हैं, जो पर्टिकुलर जो आपका जो एड्रेस है, आपका परमानेंट एड्रेस, करेंट एड्रेस, वो फुल प्रूफ होना चाहिए, और वोटर आईडी कंपलसरी होना चाहिए, और वोटर आईडी है आपका, क्या कहें, आधार है, और भी कोई अगर आप किसी संस्था में काम करें उसका आईडी, तब आप उनको जाके कोई आप उनको नंबर देना चाहिए। लेकिन हम लोग ने जितने भी अभी प्रकरण पकड़े हैं, उसमें अलग अलग एजेंसी का मोबाइल नंबर और उनका एड्रेस का कहीं ठिकाना नहीं, वो तो एक बार यूज करते हैं और यूज करने के बाद एक एक जो क्रिमिनल है उसके पास कई कई सेल नंबर है। बिल्कुल। तो मोहित जी आपका रुख करना चाहूंगी, क्योंकि कुणाल जी बिल्कुल प्रफुल्ल जी लौटूंगी आपके पास। मोहित जी आपका मैं रुख करना चाहूंगी। बड़ा सवाल ये है कि आरबीआई की भी एक गाइडलाइन है कि अगर इस तरह से ऑनलाइन ठगी की जाती है तो अगर जो कंज्यूमर है, जो कस्टमर है, वो अगर कंप्लेन करता है बैंक में जाके, 3 दिन के अंदर जाके कंप्लेन करता है और ऑनलाइन ठगी का वो शिकार हुआ है, तो उसको मतलब बेयर नहीं करना पड़ेगा ये नुकसान, बैंक को उसका पैसा लौटाना होगा। तमाम चीजें आरबीआई की तरफ से भी गाइडलाइन जारी की गई है,
और वक्त वक्त पर ये बताया जाता है कि आरबीआई इस तरह की कोई भी वेबसाइट नहीं चलाती, ना ही वो आपका वन टाइम पासवर्ड लेती है, ओटीपी वगैरह कभी नहीं फोन करके लेती, ना ही वो आपकी पर्सनल डिटेल लेती, क्योंकि उसके पास सब कुछ रहता है। इतने जागरूकता अभियान चलाने के बाद भी इस तरह की धोखाधड़ी, वो भी स्पेशली अगर हम ऑनलाइन की बात करें, वो कैसे हो जाती है फिर? जी देखिए, निश्चित तौर पे ये चीज हो रही है और इसका दो रीजन मैं देखता हूँ। कोई भी जो अपराध होता है उसमें कहीं ना कहीं डर और लालच, ये दो चीजें होती है, जुड़ी होती है। आदमी या तो डर से अपना ओटीपी देता है कि उसका सिम ब्लॉक कर दिया जाएगा या उसका डेबिट कार्ड ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो जैसे एक उदाहरण है, साइबर में सिम स्वैप फ्रॉड होता है, इसमें लोग बोलते हैं कि आपका सिम बंद होने वाला है और आपको एक एसएमएस करना है, एसएमएस का जो रिप्लाई आएगा वो ओटीपी बताएंगे तो आपका सिम वापस इनेबल होगा। इससे क्या होता है कि इनका सिम का ब्लॉक करने के बाद ये दोबारा नया सिम इश्यू करते हैं, उसमें यूपीआई रजिस्टर करते हैं, क्योंकि वो मोबाइल नंबर उनके बैंक अकाउंट से लिंक रहता है, उसके थ्रू भी ये यूपीआई ट्रांसफर कर लेते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने बोला लालच, लोगों को होता है कि अभी रिसेंटली कुछ केस आए थे, ओएलएक्स वगैरह की साइट्स पे भी ये केस आए हैं कि लोग देखते हैं सस्ते में कोई आइटम मिल रहा है। हाँ। और ज्यादातर भारतीयों में ये रहता है कि फ्री और सस्ते की चीजें बहुत जल्दी वो देखना चाहते हैं, तो उन चीजों से होता क्या है, जब वो देखते हैं कि वो चीज सस्ती मिल रही है और वहां पे वो डील करने की कोशिश करते हैं, जैसे ओएलएक्स जैसा साइट है तो वहां पे कोई आदमी सामने होता नहीं है, डायरेक्ट वो डीलिंग नहीं करते, वो डीलिंग वर्चुअली होती है। वर्चुअल डीलिंग में पैसे भी वो वर्चुअली ट्रांसफर करते हैं यूपीआई या नेट बैंकिंग के माध्यम से। वहां पे जो सामने फ्रॉड कर रहा होता है बंदा, वो पैसे कई अलग अलग माध्यम से ले सकता है, वो यूपीआई से भी ले लेता है, नेट बैंकिंग से भी ले लेता है। ये भी मेरा सवाल है और ये चीज में जानना, ये चीज मेरे साथ वो तमाम दर्शक भी जानना चाहते हैं कि कैसे, मतलब इतनी ह्यूज लेवल पे इन्फॉर्मेशन आखिर कैसे मिल जाती है, कैसे हैकिंग की जाती है कि आप दूसरे अकाउंट की जो इन्फॉर्मेशन है, जो डिटेल्स है, वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में लेके पूरा ह्यूज अमाउंट आप ट्रांसफर कर लेते हैं। बहुत जी जी, मैं आपको बहुत सरल तरीका जो हैकर्स अपनाते हैं मैं बताता हूँ। अभी अभी एक दिल्ली में एक केस आया था, एक आईआईटीएन ग्रेड इंजीनियरिंग स्टूडेंट था, उसने एक छोटा सा वेबसाइट बनाया कि प्रधानमंत्री ये योजना और दूसरे योजनाओं के नाम पे, और वो योजना बोला कि आप इसको जब 10 लोगों को शेयर करेंगे तो प्रधानमंत्री की तरफ से आपके खाते में इतने रुपए आएंगे। लोग ऐसे योजनाओं पे, खासकर स्टूडेंट्स और जो जिन लोगों को इनकी जानकारी नहीं होती, उस वेबसाइट्स पे जाकर के अपने डिटेल्स सबमिट कर देते हैं। जब वो डिटेल्स सबमिट करते हैं, वही डेटाबेस का उपयोग ये ज्यादातर हैकर्स जो है यूज करते हैं। इनको हैकर्स भी मैं नहीं बोलूंगा, ये फ्रॉडस्टर्स हैं बेसिकली। तो ये फ्रॉडस्टर्स इन जानकारियों का उपयोग करते हुए आपसे बाकी जानकारी लेते हैं, जैसे कि ओटीपी, आपका यूपीआई डिटेल या आपका डेबिट कार्ड का डिटेल्स, और उसके बाद फिर जो है ये लोग आगे का फ्रॉड कंटिन्यू करते हैं। तो लोगों को मेन बचना चाहिए कि वो इन्फॉर्मेशन कम से कम एक्सपोज करें किसी वेबसाइट पे या फिर सोशल मीडिया पे। जी बिल्कुल कुणाल जी, यहाँ पर आप लोगों की जिम्मेदारी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि कैसे लोगों को आप जागरूक करें, क्योंकि अगर किसी को नेट बैंकिंग की समझ नहीं हो और वो इसका शिकार हो जाए तो समझ में आता है, लेकिन जो सबसे ज्यादा एलीट क्लास है, जो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है, जो ये इंटरनेट के मकर जाल में उलझा हुआ है, वही वर्ग सबसे ज्यादा इसका शिकार हो रहा है। कैसे आप लोग जागरूकता लाएंगे, कैसे ठगों से, ठगी जो आम लोग हैं जो इसके ठगी का शिकार हो रहे हैं, कैसे बचाएंगे, कैसे जागरूकता चलाएंगे? देखिए, सोशल मीडिया के जरिए खासतौर से मैं अपनी बात करूं तो हमने जागरूकता लाने की इसमें कोशिश करी है, परंतु देखने में आ रहा है कि लोगों को जैसा सजग सतर्क रहना चाहिए, लोग भी सजग सतर्क है नहीं। लगातार ठगी की शिकायतें जो है मिल रही है। मैं आपको बताऊंगा कि रायपुर में मंत्रालय में पदस्थ एक सीनियर आईएएस अफसर अगर ठगों को जो है अपना ओटीपी वन टाइम पासवर्ड बता के ठगी का शिकार हो जाते हैं तो इससे बड़ा हास्यास्पद कुछ नहीं होगा। खासतौर से दक्षिण भारत के तो जो आंध्र प्रदेश राज्य है वहां के डीजीपी स्वयं ही इस ठगी के शिकार हो गए। रायपुर में एक बहुत बड़ा पब्लिक स्कूल है, वहां की जो प्रिंसिपल है इस तरह की ठगी का शिकार हो जाती है। तो देखिए, पढ़ा लिखा वर्ग भी इस तरह की ठगी का शिकार हो रहा है। परंतु जहां तक मैंने जो ये सिस्टम समझा है उसको मैं आपके माध्यम से दर्शकों से भी शेयर करना चाह रहा हूं। जो आपका जो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड है उसका एक्सपायरी डेट का एक निश्चित तिथि होती है, 3 या 4 साल में वो एक्सपायर्ड हो जाता है। जैसे ही आपको नया क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड इश्यू होता है बैंक से, जो फर्जीवाड़ा करने वाले लोग हैं उनको पता चल जाता है कि आपके पास क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड डाक के जरिए आया, मतलब
कुरियर वाले की भी मिली भगत है, इसमें बैंक कर्मियों की भी मिली भगत है। और खासतौर से मैं बताना चाहूंगा कि ये पूरा का पूरा गिरोह जो है ये झारखंड से संचालित होता है। तमाम पुलिस ने झारखंड वालों को इसमें पकड़ा है। झारखंड का ही जो है अधिकतर रांची और उसके आसपास के मोबाइल नंबर इसमें ट्रेस हुए हैं। बैंक का व्यक्ति बता के वो आपको फोन करेगा, आपसे आपके खाते का डिटेल मांगेगा और कहेगा, आपको डराएगा, जैसा कि साइबर एक्सपर्ट मोहित साहू भी बता रहे थे, आपको डराएगा कि आपका कार्ड ब्लॉक होने वाला है और उसमें जो पासवर्ड आएगा वह पासवर्ड आप हमें बताइए जिससे आपका कार्ड है, डेबिट कार्ड है, जो क्रेडिट कार्ड है उसको आप सुचारू रूप से यूज कर सकते। तो आदमी डर कर उनको नंबर बता देता और वहीं पे ठगी का खेल शुरू हो जाता। परंतु से देखिए, ठगी ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के अलावा जो पोर्टल्स हैं, जो वेबसाइट्स हैं, उनके भी नंबर हमारे रजिस्टर रहते हैं, मोबाइल नंबर रजिस्टर रहते हैं, उन पे भी ठगी की जा रही। खासतौर से मैं वेबसाइट का नाम मैं लेना नहीं चाहूंगा, उचित नहीं है, परंतु वहां पे भी अगर आप खरीदी बिक्री के लिए अपना नाम जो है मोबाइल नंबर के साथ पंजीकृत करते हैं तो आपके उसी नंबर के लिए ठगों को पता चल जाता है और आपसे ओटीपी मांगना शुरू हो जाता है। मेरा भी अनुभव रहा और खासतौर से मैं अपनी बात करूं तो महीने में 4 या 5 कॉल मुझे खुद आ जाते हैं। माता पिता को इस तरह के कॉल अलग आते रहते हैं, मेरी पत्नी खुद बैंकर है, उनको भी खुद इस तरह के कॉल आते रहते हैं। तो हम लोग तो सीधे से मतलब उन लोगों को बोल देते हैं और हमने समय समय में पुलिस को भी इस तरह के नंबर दिया, पुलिस ने कार्रवाई भी करी है। परंतु देखिए, पुलिस की भी अपनी सीमाएं हैं, पुलिस हर बार हर समय हर जगह इस तरह के ऑनलाइन ठगी का के लिए जो है त्वरित कार्रवाई नहीं कर सकती, फोर्स की कमी है। इसके लिए जो कस्टमर्स हैं, जो बैंक के जो ग्राहक हैं, उनको खुद ही सजग सतर्क रहना होगा। इसके लिए मीडिया एक बहुत अच्छा माध्यम है, सोशल मीडिया बहुत अच्छा माध्यम है। और जैसे कि जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी प्रफुल्ल ठाकुर भी बता रहे थे कि वो समय समय पे जो कैंपेन जो है चला रहे हैं लोगों को जागरूक करने के लिए। तो देखिए, आपको खुद ही जागरूक होना पड़ेगा इस तरह की ठगी से, तभी आप बच सकते हैं। बिल्कुल, वाकई में प्रफुल्ल जी जिस तरह से कुणाल जी बोल रहे हैं उनकी बात से इत्तेफाक भी रखती हूँ, जिस तरह से मोहित जी ने भी कहा उनकी बात से भी इत्तेफाक रखती हूँ। लेकिन क्या कुछ आप लोगों को डिफिकल्टीज आती हैं इस तरह के जो सिंक्रोनाइज तरीके से जो एक नेक्सस चलता है, इस नेक्सस तक पहुंचने के लिए आप लोगों को क्या कुछ दिक्कतें आती हैं? क्योंकि आए दिन इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं और सबसे बड़ा सवाल यह है कि एलीट क्लास, पढ़ा लिखा क्लास ही सबसे ज्यादा इस ठगी का शिकार हो रहा है। कैसे आप लोग भी मतलब, क्योंकि आप लोग जितना करने का सोचते हैं उससे 4 कदम आगे इस तरह के जो ठग हैं वो मतलब अपनी कार्यप्रणाली को अंजाम देके रफू चक्कर हो जाते हैं। कितना बड़ा ये चैलेंज है आप लोगों के लिए भी कि इस तरह की ठगी को रोका जा सके? निश्चित ही मैडम, बहुत बड़ा चैलेंज है। इसके लिए मैंने पहले ही कहा था, जब तक हमारा पूरा पब्लिक जागरूक नहीं होगा, हम लोग स्वयं जागरूक नहीं होंगे, जब तक हम शॉर्टकट मेथड नहीं अपनाएंगे तब तक हम ठगी के शिकार होते रहेंगे। मैं जान के बताऊं, मैं जो कुणाल जिले ने जो बताया था कि झारखंड की बात, झारखंड में एक जामताड़ा करके जगह है, आपको जान के ताजुब होगा, उस झारखंड के जामताड़ा में जब भी हमारी पुलिस फोर्स गई है, सिर्फ वहां पर छत्तीसगढ़ पुलिस नहीं, पूरी देश की पुलिस वहां पर रहती है और सभी का एक ही सुर रहता है, हमारे यहाँ से यहाँ के गिरोह ने इस गिरोह ने ठगी की है और हम उनको अरेस्ट करने आए हैं। और उसमें सबसे बड़ी बात मैं आपको पहले ही बताया था कि जो भी अपने जो मोबाइल के जो एजेंसीज हैं, चाहे वो एयरटेल हो, चाहे बीएसएनएल हो, चाहे रिलायंस हो, जो भी है, ये जब इन लोग जब तक जो भी अपने सिम अलॉट करेंगे, जब तक प्रॉपर एड्रेस पे नहीं करेंगे, तब तक हम लोग को काफी दिक्कत होती है उनको पकड़ने में, उनको सर्च करने में। और इन लोग एक बार स्टार्ट करके एक क्राइम किए, फिर उसके बाद नए सिम ले लिए, फिर नए सिम पे क्राइम किए, क्योंकि एक ही सिम से इन लोग कई क्राइम नहीं करते, हर बार सिम इन लोग चेंज करते हैं और उसके चलते हम लोग को काफी दिक्कत होती है। साथ ही लोग बार्टरिंग का भी फायदा उठाते हैं। कोई गाइडलाइन बनना चाहिए वहां से बांग्लादेश है, क्या आपको नहीं लगता कि कोई गाइडलाइन बनना चाहिए कि आखिर एक ही आईडी पर एक ही नंबर अलॉट क्यों नहीं होता? इस तरह की जब घटनाएं हो रही है तो किस तरह से हम इनको रोकेंगे, इसको लेके हमें किस तरह के वर्कशॉप लगाने की जरूरत है? और इन तमाम एजेंसियों को, बैंकिंग सेक्टर को, फिर हम चाहे हम बात करें फिर टेलीकॉम सेक्टर को, हम किस तरह से इनसे कोऑर्डिनेट करें कि हम इस तरह की चीजों पे रोक लगा सकें?
निश्चित इसमें गाइडलाइन बनना चाहिए, गाइडलाइन में क्लियर होना चाहिए कि हम सिम हम किसको किसको अलॉट कर रहे हैं, और हम जिसको भी सिम अलॉट कर रहे हैं उसकी प्रॉपर हमारे पास उसका जानकारी हो। हम तो चाहेंगे कि जैसे एक एक पासपोर्ट बनता है तो हम उसमें उसका थंब साइन ले रहे हैं, उसका आई इंप्रेशन ले रहे हैं, फुटप्रिंट ले रहे हैं। अगर मान लो हम अगर इसमें भी हम लें तो मेरे को लगता है कि अगर एक बार हम कोई आरोपी पकड़े हैं और हम दोबारा अगर फिर से वो जमानत में रिहा होने के बाद दोबारा वो फिर से सेम वारदात करता है तो हम अगर उसके पास हमारे पास पहले से उसका अगर फिंगरप्रिंट और उसका आई इम्प्रेशन सब होगा तो मैं सोचता हूँ कि हम इसको और इसको हम लोग जल्दी से पकड़ सकते हैं। और साथ ही मैं पहले ही बोला मैडम, इसमें मेन पब्लिक की जागरूकता का है, जब तक पब्लिक जागरूक नहीं होगी कि हमको इन सब चीजों पे नहीं आना है तब तक कई लोग ठगी के शिकार होते रहेंगे। और दूसरी बात इसमें सबसे बड़ी ये है कि जो भी इसमें ठगे जाते हैं उन लोग तुरंत नहीं आते पुलिस के पास, वो पहले पूरे दुनिया जहां को बताएंगे, एक सप्ताह तक इधर उधर घूमते रहेंगे, तब लास्ट में जाके फिर पुलिस के पास आते हैं। तब तक बाकी में और यही आगे जा चुके हैं, इन्हीं तमाम चीजों का फायदा इसके चलते भी हम लोग को उठा ले जाते हैं। मोहित जी, इस बार जो हमने ठगी का तरीका देखा बेहद ही नायाब था, अमूमन तो फोन कॉल करके ओटीपी नंबर लिया जाता था, लेकिन इस बार तो अगर हम देखें तो वेबसाइट के जरिए ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया है। क्योंकि आप साइबर एक्सपर्ट हैं, क्या आपको नहीं लगता कि जिस तरह से ये जो वेबसाइट्स बन जाती हैं इनको लेके भी कोई ना कोई गाइडलाइन अब बना देनी चाहिए, जिस तरह से इस तरह की ठगी की वारदातों को कहीं ना कहीं रोका जा सके? पहली बार सुन रहा हूं जी। देखिए जो वर्ल्ड इंटरनेट की दुनिया है वो अपने आप में काफी वृहद है और उस पर आज तक जो गाइडलाइन है यूरोपियन गाइडलाइन जैसे जीडीपीआर के पॉलिसीज है वो सारे लागू किए गए हैं। इंडिया में अभी ये गाइडलाइन ड्राफ्ट में ही है, इंडिया में ये साइबर सिक्योरिटी के गाइडलाइंस पर लाए जा रहे हैं कि कैसे प्राइवेसी पॉलिसी और बाकी चीजें लानी है। दिक्कत ये है कि गूगल पे जैसे ये जो कॉल हुआ था आज की जो घटना थी इस पे इन्होंने जब सपोर्ट पे कॉल किया, सपोर्ट पे कॉल आने के बाद इनके साथ फ्रॉड हुआ। सपोर्ट का नंबर मैंने खुद चेक किया, जिस वॉलेट का यूज किया गया था, जिस एप्लीकेशन का यूज किया गया था, वो सपोर्ट का नंबर ओरिजिनल था, सही था। मतलब कहीं ना कहीं उनके टीम से भी कोई इन्वॉल्व था जिसने ये डिटेल लीक की होगी, पहला ये। दूसरा एक घटना और भी मेरे पास आई थी जिसमें कई बार क्या होता है लोगों के साथ जब घटना होती है तो लोग वापस उस घटना के लिए सपोर्ट ढूंढते हैं और गूगल में पहला सपोर्ट ढूंढते हैं। जैसे उनका कभी ट्रांजेक्शन पेंडिंग में चला गया जो आज की घटना में हुआ था, तुरंत वो गूगल कर रहे हैं कि सपोर्ट में बात करें और वो जो ट्रांजेक्शन पेंडिंग में है जो होल्ड हो गई मनी उसको वापस रिस्टोर करें। तो यहाँ पे क्या होता है गूगल में एड वगैरह चला करके ये टॉप पे अपना रिजल्ट दिखा देते हैं अपने वेबसाइट का, और लोग उस फर्जी वेबसाइट को क्लिक करते हैं क्योंकि उनको लगता है गूगल का जो पहला रिजल्ट है वही ऑथेंटिक है। बिना नेम चेक किए, बिना चीजों को चेक किए सिर्फ टाइटल देख के क्लिक कर लेते हैं, वहां कॉल करते हैं, वहां डिटेल मांगता है, वो डिटेल दे देते हैं और उनको लगता है कि हमने सही ऑथेंटिक साइट पर डाला है। तो लोगों को ये जानना पड़ेगा कि जो भी आप ऐप यूज कर रहे हैं एक तो उसके ऑथेंटिक साइट को आप चेक करें कि वो URL करेक्ट है या नहीं, दूसरा npci.org.in ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है, यहाँ पे जैसे UPI की पेमेंट है, यहाँ UPI का एक सेक्शन है, वहाँ पे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की लिस्टिंग दी हुई है। ये वही एप्लीकेशन है जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, यही एप्लीकेशन UPI पेमेंट के लिए ऑथराइज्ड है। तो आप ये एक एप्लीकेशन में जरूर चेक कर लें कोई भी पेमेंट UPI में करने के पहले कि UPI का जैसे कोई भी UPI ID है ABC@something, तो वो जो समथिंग जो लिखा होता है वो एक्सिस बैंक HDFC कुछ भी होगा वो आपको उस लिस्ट में दिख जाएगी NPCI की साइट पे। तो आप वो चेक कर लें कि आप प्रॉपर वही ऐप यूज कर रहे हैं जो NPCI के साथ लिस्टेड हो। बिल्कुल, वाकई में कुणाल जी, क्योंकि वाकई में जिस तरह से हम चर्चा लगातार कर रहे हैं कोई बहुत ज्यादा हल हमें निकलता नजर नहीं आ रहा। जिस तरह से आप बता रहे थे कि आपकी धर्म पत्नी भी बैंकिंग सेक्टर में है तो उनके पास भी इस तरह के कॉल आते हैं, हमारे कैमरा पर्सन है अरविंद द्विवेदी जी, उनके पास भी कॉल आया था और उनके अकाउंट से भी 15,000 से 20,000 रुपए ऐसे ही ऑनलाइन ठगी के वो भी शिकार हुए जो आज तक उनका भी पैसा रिफंड नहीं हुआ। कई तमाम ऐसे मसलों पर हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जब अगर RBI की भी एक गाइडलाइन है, RBI की गाइडलाइन के तहत भी कोई नहीं चलता है, और जिस तरह से प्रफुल्ल जी भी कह रहे थे, मोहित जी भी कह रहे थे कि आप 3 दिन के अंदर आप शिकायत कर सकते हैं या इमीडिएटली आप शिकायत करें तो हो सकता है इमीडिएटली एक्शन लिया जाए, लेकिन लोग इंतजार करते हैं, दूसरे ऑल्टरनेट तलाशते हैं, ऐसी स्थिति में फिर क्या करना चाहिए, फिर ऐसे लोगों की काउंसलिंग कैसे की जा सकती है? फिर
नहीं देखिए, मैंने पहले ही आपको बोला कि आपको खुद ही सजग सतर्क रहना पड़ेगा, परंतु मैं खासतौर से अपना अनुभव बताऊं कि क्रेडिट कार्ड से अगर मेरा कहीं पे अमाउंट डेबिट हुआ है तो क्रेडिट कार्ड कंपनी है आप उसके उसके पास कस्टमर केयर में जाकर आपको क्लेम करना पड़ेगा, उस क्लेम का रिफंड बैंक तत्काल त्वरित करता है, ये मेरा निजी अनुभव है। खासतौर से अगर छोटे छोटे पेमेंट होते हैं, मान लीजिए लगातार आपके खाते से पहले जो है जो ठगी करने वाला 50-100 रुपए का ट्रांजेक्शन करेगा, 50-100 रुपए में अगर आपने कुछ नहीं बोला तो वो सीधे 500-1000 रुपए का करेगा, परंतु उसमें भी आपने कुछ नहीं बोला तो सीधे वो लाखों की ठगी आपके क्रेडिट कार्ड से होगी। तो देखिए छोटे छोटे जो ट्रांजेक्शन होते हैं उसमें भी हमारे पास जो है बैंक का जो कस्टमर केयर है वो तत्काल फोन करके पूछता है कि आप ये छोटे छोटे ट्रांजेक्शन क्यों कर रहे हैं। तो देखिए लगातार ठगी होने के बाद भी बैंक भी सतर्क हुए हैं, परंतु फिर बार बार प्रश्न यही उठता है कि ठगी क्यों हो रही है। ठगी इसलिए हो रही है क्योंकि आप ही सजग सतर्क नहीं है, आप ही अवेयर नहीं है। पुलिस आपको कितने अवेयर करेगी, मीडिया आपको कितने अवेयर करेगी, आपको खुद ही समझना होगा कि वन टाइम पासवर्ड जो आपके मोबाइल नंबर में आ रहा है उसको आपको किसी को शेयर नहीं करना है। जैसे ही अगर आप उसको शेयर करते हैं आप तुरंत तत्काल ठगी का शिकार हो जाते हैं। बिल्कुल प्रफुल्ल जी, क्योंकि वक्त की अब बेहद कमी है क्योंकि शो को अब हमें वाइंड अप करना, तो कंक्लूडिंग रिमार्क आपका चाहूंगी। इसमें जागरूकता ही सबसे बड़ा मेरे तरफ से रिमार्क होगा। अगर अगर सभी जागरूक हो जाए, सभी शॉर्टकट के चक्कर में नहीं पड़े, कभी भी मतलब कोई भी अननोन नंबर पे आता है उसको एंटरटेन ना करें, तो मैं चाहूंगा कि इसमें बिल्कुल बचा जा सकता है। और हमेशा सारे बैंक जारी के जितने भी राष्ट्रीयकृत बैंक है सभी लोग अपना सब लोग बोलते हैं कि हम कभी भी हम अपने कस्टमर को ओटीपी नहीं मांगते, कभी भी हम उनका जो पर्सनल नंबर है वो नहीं मांगते, उसमें बराबर मैसेज भी आता है। मैं खुद एटीएम यूज करता हूं, मैं खुद उसी से लिखता हूं, स्वाइप से मैं प्रोसेसिंग करता हूं। तुरंत मैं चेक करता हूं कि जो चीज मैं कर रहा हूं सही है कि नहीं है, अगर उसमें थोड़ा भी अगर उसमें गलती आ रही है मैं तुरंत बैंक से कांटेक्ट करता हूं। मैं तो अगर मैं सिर्फ इसमें जागरूकता है, अगर सब नागरिक जागरूक हो जाए जो भी ये सब सारी चीज यूज करते हैं सजग रहना होगा, तो मैं चाहूंगा निश्चित इसमें कमी लाई जा सकती है। बिल्कुल मोहित जी, 10 सेकंड में कंक्लूडिंग रिमार्क। देखिए मैं एक ही लाइन बोलना चाहूंगा, स्टॉप थिंक एक्ट, रुके सोचें और उसके बाद ही उस पर एक्ट करें, तो आप उसमें बच भी पाएंगे और अगर आपके साथ कुछ अगर घटना होती है तो भी आपको हड़बड़ाना नहीं है, आप आराम से बैंक और पुलिस के पास जाकर के तुरंत आप उसको सॉल्व करा सकते हैं। बिल्कुल कुणाल जी, 10 सेकंड। देखिए मैं बार बार ये बोल रहा हूँ कि पुलिस की भी एक जो है सीमाएं हैं, पुलिस के पास फोर्स की कमी है, तो सजग सतर्क आपको ही रहना पड़ेगा। तो मैं आपके माध्यम से दर्शकों से पुनः निवेदन करना चाहूंगा कि